आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेब सीरीज या फिल्मों की शूटिंग होती है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी बनी हुई है, ये डुप्लीकेट गाड़ी है और आपको दिखाता हूँ कि देखो वेब सीरीज का किस प्रकार से शूट होता है। चलेगा सर। वेब सीरीज़ में स्टोरी है, उसमें भी मेरा ब्यूटी को लेके ही बनाया गया है। इसमें स्टोरी का ब्यूटी का राज कुछ नहीं है, बस इस ब्यूटी के पीछे कितने लोग मतलब फिदा है, उसमें स्टोरी थोड़ा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। आपको महसूस हो रहा है कि कितने मतलब इस फैन आपके बढ़ जाएंगे इस वेब सीरीज से आपका? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कब ये रिलीज़ होगी। तो सच में मतलब करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब मैं बस बहुत एक्साइटमेंट है कि कब ये रिलीज़ होगी, उसके लिए मतलब बहुत ही खुशी है। समीर सर हाँ। एक बड़े डायरेक्टर ने बड़ी हिंदी मूवी भी डायरेक्ट किया है और काफ़ी मार्केट के बड़े आर्टिस्ट भी रहे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में और स्पेशली क्या कहना है, इन्होंने मतलब सच में मैं क्या बोलूँ, मैं इतना लकी हूँ कि इनके प्रोजेक्ट में मैं फ़ाइनल हुई हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मुझे इतना माइलेज मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात सर के साथ प्रोफेशनल से भी ज़्यादा मेरा पर्सनल एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है, तो इसको मतलब इस पर मुझे ज़्यादा अगर काम फ्यूचर में नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पर्सनल बॉन्डिंग जो है ये रहनी चाहिए फ्यूचर तक। सो ये जो वेब सीरीज़ है इसका नाम है डार्क क्लाउड ऑफ लाइफ, बहुत ही अलग एक सीरीज़ है। इसमें मैं एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ जो ये डार्क क्लाउड ऑफ लाइफ के जो मेन है, जो इसको चलाते हैं इस हाउस को, उसको उसमें मैं ये प्ले कर रहा हूँ कि मुझे कुछ फिशी नज़र आता है और हाउ आई गेट इन टू इट एंड आई गेट मैरिड टू वन ऑफ द गर्ल, और कैसे मैं इनको पकड़ता हूँ कि ये क्या गलत कर रहे हैं। एक बहुत ही हटके वेब सीरीज़ है, दिमाग के ऊपर है कि लड़कियाँ कहाँ कहाँ पे कैसे पैदा हुई हैं और कैसे बचाया गया उनको, बाद में जाके उनके साथ क्या हो रहा है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेब सीरीज़ एंड समीर जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, फरीदी जी ने लिखी है और बहुत अच्छा। सर कितना एपिसोड है इसमें? इसमें टोटल 6 एपिसोड। और आपका मतलब इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट नया? मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाला है और आई एम वर्किंग ऑन नेक्स्ट वेब सीरीज़ फॉर MX प्लेयर। ये सब चल रहा है, आई कांट टेल यू मोर डिटेल्स अबाउट इट, जो अभी शूट होने वाला है। अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में तो जितना मैंने आपको बताया वही है। हाँ, इसका शूट 5-6 दिन से चल रहा है और हम लोग कंटिन्यू शूट कर रहे हैं। डार्क क्लाउड ऑफ द लाइफ एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। लाइक जैसे अपने देश में क्या हो रहा है कि सब जगह बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है, तो उसको हमने बेस बनाया। और एक रियल जो घटना थी ना, उससे मतलब प्रभावित है, उससे इंस्पायर्ड है। तो ये जो हम लोग वेब सीरीज कर रहे हैं ना कहीं उस चीज़ को, उस टाइप का मैसेज दे रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसमें स्टार कास्ट मार्केट के? हाँ, इसमें स्टार कास्ट हितेंद्र तेजवानी जी हैं, साहिल फूल हैं, शाना भट्टाचार्य हैं, मुस्ताक खान हैं, अनुष्का श्रीवास्तव और बाकी बहुत सारी जो मार्केट में रेगुलर काम कर रहे हैं लड़के हैं, सारे वेब सीरीज़ में आ रहे हैं, वो सब सारे लोग हैं। वेब सीरीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, जो अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, जो शायद हम पहले करने से डरते थे, अभी वेब सीरीज़ की वजह से हम कर सकते हैं। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है डार्क क्लाउड, और जिसके डायरेक्टर हैं समीर खान साहब और लिखा है हिजार सेन ने। बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, लोग हमेशा ये बोलते हैं कुछ अलग है, बट इसमें वाकई में आपको कुछ अलग देखने मिलेगा जो एक्चुअली होता है छोटे छोटे शहरों में। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही मतलब पैदा होते हैं, तो पता नहीं होता है कि कभी कहीं मिलते, रास्ते में मिलते, कहीं इधर मिलते, कहीं उधर मिलते, उनके साथ क्या होता है, कैसे होता है, क्या उनकी लाइफ क्या है, ऐसी कहानी है। और सर बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस पे आप आने का कभी सपना है क्या? मैं तो बिग बॉस में कर चुका हूँ ना, बिग बॉस 11 का हिस्सा बन चुका हूँ। बिग बॉस 14 में मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा, ज़्यादा नहीं देखा। और जैसे कि बधाई देना चाहूँगा रुबीना जी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस रुबीना, आप जीते और आप आगे भी अच्छा करें, ऑल द बेस्ट।